गाजियाबाद में NH9 पर ट्रैक पर लगी आग, घंटों बाद पहुंची दमकल की गाड़ी, परचून का सामान जला। नेशनल हाईवे 9 पर गाजियाबाद में मसूरी फ्लाईओवर पर शनिवार रात करीब 10 बजे एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर जान बचाई, ट्रक धूं धूं कर जल गया। इस ट्रक में साबुन सहित परचून का सामान भरा था जो दिल्ली जा रहा था। फायर फाइटर्स ने जब तक आग बुझाई तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी के अनुसार ये ट्रक जब मसूरी फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा तो इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शुरुआत में ड्राइवर ने ट्रक में रखे फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। करीब एक घंटे से ज्यादा समय के बाद दमकल की गाड़ी पहुंच पाई। इसके बाद बचाव राहत कार्य शुरू हुआ। आग को बुझा तो लिया गया लेकिन ट्रक में मौजूद सामान नहीं बचा। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में परचून का सामान रखा था जो दिल्ली जा रहा था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO राहुल पाल ने बताया कि आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। उधर आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए एक लेन पर वाहनों के पहिए थम गए। ट्रक की आग बुझने पर ही वाहनों को गुजारा गया। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।